तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए मैच प्रिडिक्शन वीडियो में, जिसका हम सबको था इंतजार। जी हां, आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस मैच का मैं आपको बताऊंगा टॉस प्लस मैच विनर क्या रहने वाला है, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, हेड टू हेड सेशन, टॉस कॉल किस टीम का रहेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों में बीबीएल स्टार्ट होने वाला है, जिसका मैं प्रेडिक्शन आपको पिछले साल के जैसा ही बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको दूंगा। तो वीडियो को हमेशा लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आने वाला सारा वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा 19 नवंबर को 2 PM से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में। वहीं इस पिच पे खेले गए लास्ट 5 ओडीआई मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 40% मैचेस को विन की है, वहीं फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम 60% मैचेस को विन की है। यानी इस पिच पे जो टीम टॉस विन करेगी पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। वहीं इस पिच का पिच रिपोर्ट देखें लास्ट 10 मैच के बेसिस पे तो बॉलिंग फेवरेट पिच है सुटेबल फॉर पेसर्स है, यानी ये जो पिच है पेसर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इस पिच पे पेसर्स को काफी ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं, तो आप अपने फैन टीम या ड्रीम 11 टीम के लिए पेसर्स को जरूर पिकअप कर लीजिएगा, ये आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेंगे और आप हेड टू हेड में जीतेंगे भी। मैं लास्ट में अपना टीम भी प्रोवाइड करता हूं कि किस प्लेयर को आपको अपने फैंटेसी टीम के लिए रखना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं इस पिच का विकेट रिपोर्ट देखें पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के बीच में तो पेसर्स को इस पिच पे 64% विकेट मिला है, वहीं स्पिनर्स को इस पिच पे 36% विकेट मिला है। यानी स्पिनर्स के बदले पेसर्स को इस पिच पे काफ़ी ज़्यादा विकेट्स मिले हैं। वहीं इन दोनों टीमों के बीच खेले गए अभी तक के ओवरऑल स्नैपशॉट की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में टोटल 25 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैचेस को विन किया है तो इंडिया ने 15 मैचेस को विन किया है। एक दूसरे के खिलाफ इनका एवरेज रन रेट ऑस्ट्रेलिया का 154 का रहा है तो वहीं इंडिया का 156 का रहा है। मैक्सिमम रन रेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 211 रन बनाए हैं तो इंडिया ने 208 रन ही बनाए हैं। वहीं मिनिमम रन रेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 75 रन बनाया है तो इंडिया ने ओनली 49 रन ही बनाया है। वहीं फर्स्ट बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार मैचेस को विन किया है तो इंडिया ने 5 बार मैचेस को विन किया है। वहीं सेकंड बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस को विन किया है तो इंडिया ने 10 मैचेस को विन किया है। वहीं दोनों टीमों के बीच खेले गए लास्ट 10 हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो 10 में से दोनों ही टीमों ने 5-5 मैचेस को विन किया है। यानी ये जो मुकाबला होने वाला है बहुत ही टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। इस पिच पे टॉस विन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा इस मैच को विन करने के लिए। वहीं अब जान लेते हैं कि इस मैच का टॉस कॉल किस टीम का रहने वाला है, तो इस मैच का टॉस कॉल रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया का और मेरे तरफ से टॉस विन करेगा अपना इंडिया। अगर टॉस से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है या फिर विनर चेंज होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉस के एक या डेढ़ घंटा पहले अपडेट कर दिया जाता है, तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉस मैच से जुड़ा हुआ सारा एंट्री अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाता है। वहीं इस पिच का सेशन रिपोर्ट की बात करें लास्ट 9 मैच के बेसिस पे तो 10 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 39 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 54 रन के आसपास रहता है, वहीं 20 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 83 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 106 रन के आसपास रहता है, वहीं 30 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 136 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 151 रन के आसपास रहता है, वहीं 35 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 161 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 174 रन के आसपास रहता है, वहीं 40 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 188 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 185 रन के आसपास रहता है, वहीं 50 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 256 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग नॉन प्लेड है। तो ये रहा सेशन रिपोर्ट, यहाँ कुछ सेशन यस होंगे कुछ सेशन नो होंगे, कौन सा सेशन यस होगा कौन सा सेशन नो होगा ये हमारे फैंटेसी चैनल पे बताया जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फैंटेसी चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे ड्रीम 11 फैंटेसी चैनल को।
वहीं अब एक नजर इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे डाले तो आप यहां पे इन दोनों टीमों का प्लेइंग 11 टीम देख सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, अगर कोई चेंजेस आया तो टॉस के तुरंत बाद ही आपको हमारे फैंटेसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको फाइनल मैच विनर टीम यहीं पे दिया जाता है। टॉस होने के बाद आपको कब एंट्री लेना है, कब लॉस कार्ड बुक सेट करना है, सारा एंट्री अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले करा दिया जाता है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और जो लोग फैन टीम या ड्रीम इलेवन टीम खेलते हैं, किसी भी मैच अपडेट पे आपको आ जाना है, वहाँ पे आपको फैन टीम लिखा हुआ मिलेगा, उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे उस लिंक को आप ओपन कीजिएगा, आप हमारे ड्रीम इलेवन फैंटेसी चैनल पे आ जाइएगा। आपको यहाँ पे टीम बना के दे दिया जाता है, आप यहाँ का टीम पिकअप कर सकते हैं। ये आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेगा और आप हेड टू हेड मैच जीतेंगे भी। तो चलिए मिलते हैं अगले मैच के वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर साल और हमेशा यूं ही अपडेट पाने के लिए अभी BBL स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी आपको बेहतरीन काम देंगे पिछले साल के जैसा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक मिलते हैं BBL में। थैंक यू, टेक केयर।